कराची से बिलोंग करते हैं तो हमें पता है कि बिरयानी किस तरह बनती है और कैसे बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम विज़िट करने वाले हैं पेशावर में मौजूद कराची ओरिजिनल कराची का जो टेस्ट है बिरयानी का उसे ट्राई करेंगे, तो आइए हमारे साथ विज़िट कीजिए। बिरयानी के नाम से यहाँ पे मौजूद हैं। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है गुलबार में मौजूद अनम सनम चौक, और ये गुलबार की तरफ आते हुए यहाँ पर एक लोकल फूड स्ट्रीट सी बनी हुई है जिसमें आप मुख्तलिफ शॉप्स को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं कराची लियाकताबाद की मशहूर मदनी नली बिरयानी। इनके पास दोनों वेराइटीज़ मौजूद हैं, गोश्त की भी और चिकन की भी, तो और नली की भी। तो आइए चलते हैं, इनका फूड ट्राई करते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। जिसे आप देख सकते हैं ये तय वाली बिरयानी है और इनके पास दोनों वैरायटी यानी बीफ की भी और चिकन की भी दोनों वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे आपको बीफ के साथ नली भी मिलती हैं जो कि इसके जायके को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। बिरयानी की रंगत और खुशबू नहायत शानदार रही, और जब साथ में नली भी हो तो फिर तो जायके के क्या ही कहने। गोश बिल्कुल गला हुआ है और स्पाइसेस भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आप चाहते हैं कि कराची का ओरिजिनल टेस्ट आपको मिले तो यहाँ का विज़िट मस्ट है। चिकन का टेस्ट काफ़ी शानदार रहा और ये भी मुकम्मल तौर पर गल चुका है और स्पाइसेस इसके भी नॉर्मल हैं। मसालाजात की मिक्सचर काफ़ी अच्छी रही और जायका नहायत ही शानदार है। आलू की पसंद नापसंद हर किसी का अपना चॉइस है, लेकिन आई विल गो विद आलू गैंग। आलू के साथ एक अच्छा सा फ्लेवर मुंह में आता है जो कि बिरयानी के टेस्ट को और भी मज़ीद बेहतर बना देता है। रायते के साथ भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि रायते के बग़ैर बिरयानी नामुकम्मल सी लगती है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि बोर्ड पे लिखा है कराची लियाकताबाद की मशहूर मदनी नली बिरयानी,
इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आइए चलते हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं कि इनका सेटअप की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो बोर्ड पे तो लिखा हुआ है कि कराची की मशहूर मदनी नली बिरयानी लियाकत आबाद की, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल बता दें। मुझे लगता है आप भी कराची के ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कराची से बिलोंग करते हैं और हम लोग कराची में अपना जो है खुद का जो है कराची के अंदर पकवान सेंटर भी है, बिरयानी सेंटर भी है, तो हम लोग वहाँ से हम लोग अच्छा काम है हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा। लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ और नया करते हैं, तो हम लोग पेशावर में अपनी ब्रांच, हमने फर्स्ट ब्रांच पेशावर में खोली है गुलबहार नंबर 1 के अंदर अनम सनम चौक के ऊपर। यहाँ पे हर किसी बंदे ने जो है नाम रखा हुआ था कराची बिरयानी, कराची बिरयानी, लेकिन कराची का ओरिजिनल टेस्ट किसी के पास नहीं था। Exactly. हम लोग कराची से आए और हमने आगे यहाँ पे ब्रांच अपनी खोली है और आपने यहाँ पे बिरयानी खाई होगी, आपको अंदाजा होगा कि हम लोग ओरिजिनल टेस्ट है या नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि लियाकत आबाद की जो मशहूर मदनी नली बिरयानी आपने लिखा है, तो वहाँ पे आपका सेटअप की क्या पोजीशन है आजकल? माशाल्लाह, हमारा सेटअप की बहुत अच्छी पोजीशन है। हम लोग वहाँ पे हमारा अपना बिरयानी का सेंटर है, खुद का बिरयानी का काउंटर लगता है डेली हमारा। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे शादियों के ऑर्डर बनाए जाते हैं, हमारा अपना पकवान सेंटर है हमारे पास। माशाल्लाह, रोज के जो है अलग 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 शादियों के ऑर्डर होते हैं हर जगह के। तो अब ये बताइए कि इनके पकाने में कितना टाइम लगता है और किस किस्म के मसाले इस्तेमाल होते हैं? ये पकाने के अंदर जो है हमारे को 1 घंटा लगता है, और जिसके अंदर जो है ना हमारे 14-15 मसाले हम लोग मिला के इसके अंदर लगाते हैं, तो इसके अंदर कराची जैसे बिरयानी का टेस्ट आता है, क्योंकि हम लोग खुद कराची से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि बिरयानी किस तरह बनती है और कैसे बनाई जाती है। अच्छा, ये बताएं सर कि ये नली का क्या ट्रेंड है, आपने कैसा ये आइडिया कैसा है, इसके बारे में क्या तफसील आप देंगे? सर, जैसे कि हर जगह पे चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी हर जगह चलती थी, लेकिन हमने कहा हम कुछ नया मुख्तलिफ करते हैं, तो हमने इस तरह मुख्तलिफ किया, हमने इसके अंदर नली ऐड कर दी। नली जैसे कि आपने पाए वगैरह में खाई होगी। एग्जैक्टली, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि अब इसको हम नया एक नया ट्रेंड लाए यहाँ पे, तो हम लोगों ने इसका नया ट्रेंड लाया, हमने नली बिरयानी कर दिया इसको। तो हम लोग इसके अंदर नलियाँ डालते हैं और नली का टेस्ट खाने के बाद आपको बहुत अंदाजा होता है कि इसके अंदर वाकई वही टेस्ट आता है जो आप नली का पाए में टेस्ट खाते थे, उससे बिरयानी का टेस्ट जो है और ज़्यादा चेंज हो गया, और ज़्यादा स्पाइसी हो गई, और ज़्यादा मज़ेदार। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ वैरायटी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, बीफ की भी प्राइसेस हैं और चिकन की भी, और इसके साथ नली की भी, और सारी ये आप देख सकते हैं। इनका नंबर भी है, और जैसे कि नीचे लिखा है शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ऑर्डर माल तैयार किया जाता है, तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कॉमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।